पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे रामेश्वरी विशुभान नमामि हा देविका कुभर गद गद याद्य वाचा जाचेनि पत्त भूवि दंडवत उद्भटार्ती अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य तव गणि गणनां विधि अंगश्यामलिं सटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जटं जाग्रतसंहिदतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्याये भक्त्या विना पराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुग भक्ति रसं प्रयत्ने अपायन मानं सुमन्दं कृपाम्बुधिर्ज परदुःखदुःखी सनातनस्थं प्रभुमाश्रितं श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सकदं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतायनो विरहकातया पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे माम् लोगों ने गोपी का अभिव्यक्ति तो हरिदास वर्ग ये हंताय मद्रव हरिदास वर्ग यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोज्य तयोज्य पानीय सूर्य सकंदर इसमें हरिदास के संबंध में हम लोगों ने वर्णन किया था। उसमें हमने तारतम्य में दिखलाया जो गुरुदासों में भी बहुत सी श्रेणियां और यही प्रारंभिक श्रेणी है भजन राग की। इस प्रारंभिक श्रेणी में भी बहुत से सोपान है, सब गुरुदास समान नहीं है किसी भी रूप में, क्या तात्विक रूप में, सेवा के रूप में, भावना के रूप में, बहुत तारतम्य में। और इसी विचार को हम लोग दिखलाने के लिए कर्मशः कर्ण की गुरु भक्ति भीष्म जी की, भीष्म पितामह की, और उसके बाद में अरुणी और इसको भी हमने त्रिगुण के अंतर्गत में दिखलाया त्रैगुण्य भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, इसका स्वर्ग इत्यादि से ही संबंध है उस भक्ति का। उसके बाद में हमने सुदामा जी का दिखलाया
ये निर्गुणा भक्ति है, जिससे उनको नारायण के प्रति भक्ति मिली, माने कृष्ण माने द्वारकाधीश उनके प्रति उनकी भक्ति मिली। जो धन धान्य इत्यादि तो मिला ही, किंतु उसमें विराग भी मिला और कृष्ण में विशेष अनुराग द्वारकाधीश के प्रति। यहां से निर्गुणा भक्ति आरंभ हुई। निर्गुण ये दास थे, इसलिए इसके बाद हमने दिखलाया बिल्लु मंगल का दिखलाया, उसके बाद में हमने रूप सनातन जी का दिखलाया और अंत में गोविंद जी की महा के प्रभु के प्रति कैसी निर्मल स्वच्छ स्थिति में भक्ति देखा, क्योंकि स्वरूप दामोदर के लिए भी कहते हैं कि ये आते हैं और महाप्रभु को रुलाते हैं और फिर महाप्रभु जी हमको कहते हैं कि उन दोनों को बुला लाओ रोने के लिए, ये मेरी समझ में नहीं आता। ये गोविंद जी को भी कम मत जानना, शास्त्रों में निपुणता, वांग्मय, वक्ता होने का भाव, यद्यपि इनमें कुछ नहीं दिखता, न कि कीर्तन में राग रागिनी स्वरालाप ये भी कुछ नहीं दिखता, किंतु उनके हृदय में महाप्रभु की सेवा की वासना और भावना कैसी है इस पर विचार करो। सरल रूप में स्वच्छंद रूप में महाप्रभु जी की सेवा का आदर्श भी कैसे करते हैं वो भी दिख रहे हैं। ऐसे सेवक के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी कुछ संदेह हो गया था कुछ। उन्होंने कहा महाप्रभु जी से, इस शूद्र शिष्य को आपने क्यों ग्रहण किया, लोग क्या कहेंगे, और उस समय कुछ भक्ति भक्ति का भाव उनमें हो गया था तो भी इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा ये हमारे ईश्वर की ऐसी ही, ईश्वर का हमारे प्रति ऐसा ही आदेश। उनके ईश्वर कौन है, ईश्वर वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं हमारे, उनके ऊपर में वेद की वाणी का और शास्त्रों के आदेश का कोई भी अंकुश नहीं है, ये कोई अंकुश वो प्रभु हमारे स्वतंत्र हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया उनको ग्रहण करने के लिए, हमने और कुछ विचार नहीं किया, बस यही जी हमारे गुरु जी ने कहा। बस गुरु सेवक है मान्य, गुरु का सेवक जो होता है वो मान्य किसके लिए, यदि मान लिया कि कोई कनिष्ठ है गुरु जी की सेवा कर रहा और जो प्रवीण है और वो अब गुरु जी की और सेवा कर रहे हैं, तो प्रवीण वाले इसको सेवक को मानेंगे कि नहीं माने, गुरु सेवक है मान्य अपना, उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आखिर केवल कनिष्ठ वाला जो पीछे आया है गुरु जी की सेवा भी कर रहा है तो भी वो नहीं मानेंगे, जो प्रवीण है वो भी मानेंगे और जो नवीन है वो भी मानेंगे, दोनों मानेंगे। गुरु गुरु सेवक को देख करके यही भाव, ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो उसका भी मैं सेव्य हूं और उस पर सब प्रकार से धारण तम सेवक, ऐसा नहीं। यदि भगवान का भजन करने की इच्छा है, गुरुदेव को यदि प्रसन्न करने की इच्छा है, तो ये देखो कि गुरु जी की सेवा कौन कर रहा है वो हमारे लिए मान्य। यदि कुत्ता भी हमारे गुरु जी की सेवा करता है वो हमारे लिए मान्य, ऐसे भावना रख। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जिसने सारा जीवन सेवा किया गुरु जी की वैष्णव की, भले ही उसमें कर्म कुशलता नहीं है, जो कुछ है सब लगाया
आप थोड़ा सा कोई कर्म में कुशल हो गया है तो सबकी अवज्ञा करता है उन सेवकों, तो भ्रष्ट हो जाता है परमात्मा से। इसलिए उधर में अधिक जोर नहीं देना चाहिए, कर्म कुशलता और ये सब देना चाहिए। गुरु के प्रति किसकी भावना का, यदि एक दिन किसी ने हमारे गुरु जी की सेवा कर दी तो मैं उसका ऋणी रहूंगा। गुरु सेवक कौन है? प्रभुपाद जी ने कहा है, कहीं आपने भी देखा होगा, वैष्णव का जो सेवक है वही गुरु सेवक है। वैष्णव मात्र का सेवक नहीं होने से गुरु सेवक नहीं हो सकता, उसकी उपलब्धि नहीं जो गुरु क्या चीज है। भक्तों को छोड़कर के भगवान अलग से हैं या गुरु सेवकों को छोड़कर के गुरु अलग से हैं? वैष्णव को, वैष्णव में सबसे प्रधान गुरु है। इसलिए जितने गुरु सेवक हैं वो वैष्णव सेवक अवश्य होंगे। इसीलिए हमने कहा था कि पहले गुरु सेवक और इसके बाद में वो वैष्णव है, वैष्णव से। जहां देखो प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु जी को वो देखा है, सब वैष्णव को देखा है। क्या वैष्णव दासानुदास, अब चिट्ठी जब लिखते हैं ना क्या लिखते हैं, वैष्णव गुरु दासानुदास लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं वैष्णव, क्यों लिखते हैं? यदि यही होता जो गुरुदास ही एकमात्र है तो वैष्णव दासानुदास ये सचराचर जो यही चलता है ये क्यों है? जो वैष्णव दास नहीं है वो गुरुदास नहीं है। साथ ही साथ वैष्णव को सम्मान नहीं देगा, कृष्ण भक्तों को सम्मान नहीं देगा और वो गुरुदास हो जाएगा। गुरु जी की लाख सेवा करने पर भी गुरु जी उसकी सेवा ही नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए अग्र है मुक्ति तबे सर्वबंधनाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण दास। मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति माने क्या, अनर्थ नाश, संसारिक आसक्ति ये सब दूर ही नहीं हुआ और गुरु का दास जाए, गुरु का दास इतना सहज नहीं है, बहुत बड़ी भारी बात। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी कुसुमांजलि में सबसे पहले किसको प्रणाम किया, जदुनंदन दास को किया ना पहले, नहीं किया जदुनंदन दास को किया चौथे या पांचवे, पांचवे श्लोक, पांचवे श्लोक सबसे पहले रूप गोस्वामी जी की वंदना, और वो वंदना वंदना के रूप में नहीं बल्कि इस रूप में किया। हमने कल बतलाया था, सिरूप मंजरी पथिता पुरेश कुंसह परश बदन बिंबाधरे खत्म अनागत भत्रिकाया यत्ते बधाई की मुतस्पुटम। जब तक कोई गुरुदास नहीं होगा वो इस चीज को नहीं समझेगा, इस भावना बहुत ही उच्च भावना, इसी को कहते हैं रूपानुगत। रागानुगत्व से भी ये बहुत श्रेष्ठ है रूपानुगत्व। इसलिए हमारे महाप्रभु जी के अनुगामी जो वैष्णव हैं, रूपानुगत कहने में ही अपना सबसे अधिक महत्व समझते हैं, महिमा। इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं, रूपानुग गुरु वर्ग की जय। सब जय देने के बाद भी ये जरूर लगा रहेगा, यही हम लोगों का वैष्णव। क्यों अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, भगवान करे जो वो दिन आए तो हम लोग इसको समझ सके। इसलिए इस श्लोक में इन्होंने प्रणाम किया रूप गोस्वामी। दीक्षा गुरु को उल्लंघन करके इनको क्यों प्रणाम किया? दीक्षा ग्रहण को गुरु को उल्लंघन करने की इनकी नियत थी? उनको भावावेश में ये सब कुछ, वो तो परराज्य की बातें कर रहे हैं, वहां पर ये सब कैटेगरी गुरु दीक्षा गुरु इत्यादि साधन जन्य विधियां वहां पर नहीं है,
वहां पर देख करके मुस्कुरा दिया, उसने देख करके मुस्कुरा दिया, यही प्रणाम का हजार गुना हो गया, लाख गुना बाबा। बस ये श्लोक कह करके थोड़ा सा मुस्कुरा दिया होगा, और हमारे रूप मंजरी ने भी इनकी तरफ में देख करके मुस्कुरा दिया। क्यों? उसके बाद ही कहते हैं, श्री रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तिका हा मोदत कनक गौरी पदार विंद संवाहना सनकैश। राधा कृष्ण विलास से क्लांत हो गए, राधा जी कृष्ण की गोदी में अपना सिर रख कर विश्राम कर रही है, कृष्ण अपने गोदी में उनका सिर लिए, उनके केशों को संभाल रहे हैं, अंगुली से जो उसमें परस्पर लग गए हैं उनको हटा रहे, और धीरे धीरे मस्तक पर हाथ को श्री मंजरी कराचित पाद पर, और अपने पैरों को कहा लंबा थोड़ा सा कर दिया है, वो रूप मंजरी जी के गोदी में किसका पैर राधिका, और उसको धीरे धीरे वो संतर्पण कर रही है, संभाल धीरे धीरे पैर के तलवे को देख रही है, उठा लिया कभी सिर पर रख लिया, कभी अपने हृदय में रख लिया, कहां रखें क्या करें उनको पता नहीं। चित्रूप मंजरी कराचित पाद पर गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तिकाया, जिसके मस्तक पर कृष्ण ने अपने अगुरु सुगंधित भुजाओं को अर्पण कर रखा है, और उनके केशों को संभाल रहे हैं, उधर के कुमार को गौरी पदार विंद हा मोदत कनक गौरी पदार विंद, मानो स्वर्ण की पुतली है वो, और रूप मंजरी हमारे तरफ में इशारा करेगी, क्या इशारा, आ जाइयो, मैं थोड़ा पंखा चल लेती हूँ, तुम इस पैरों को संभालो, और अपनी जगह में हमको बैठा देंगी, और अपनी कृपा से अभी सिक्त कर देंगी, वो हमारा कैसा सौभाग्य। इसको कहते हैं अनुगत्य पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नन्यत कदापि समये किल देवी जाचे सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्। मैं हे श्रीमती राधिके, मैं सखी पद नहीं चाहती, वो हमारे सिर पर और रखने की चीज है, हमारे अर्चन और पूजन की वस्तु है, वो हमारे लिए सब समय नमस्कार की, मुझे क्या चाहिए, बस आपकी दासी ही क्या, दासी का दासी का दासी, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं। स्वयं कृष्ण भी यदि आपके समान सखित्व पद देना चाहते मुझे एकदम चाहिए, इसलिए दासी पद का दासी का जो दासी पद बस यही मेरे लिए सर्वस्व। इसको कहते हैं रूपानुगत भाव, सखित भाव नहीं। ललिता विशाखा तक भी सखी होने पर भी यही पद चाहती रूपमंजरी जैसा। रूपमंजरी जी का भाव कैसा, क्या वो दान पयोदान अभिसार आदि भी तांबुलार्पण पयोदान अभिसार आदि भी वृंदारण्य महेश्वरी सकृत जस्तोष अंति प्रिया प्राण प्रेस सखी कुलात अपि प्राण प्रेस सखी कुलात अपि असंकोचिता श्री रूप मंजरी मुखा तत्दासिका। जो प्राण प्रेष्ट प्रिय नर्म सखियां हैं उनसे भी कोई अधिक महत्व को प्राप्त हुई ये जो दासिकाएं हैं असंकोच वृत्ति से राधा और कृष्ण दोनों के जुगल की सेवा करने वाली है, और राधा जी की विशेष रूप से सेवा करने वाली है,
इन गोपियों की चरण धूलि में हो जाऊं, हमारा जीवन साथ। ये रूपानुगत प्रभाव। ये यदि कोई देने वाला है, कोई गुरु, इस गुरु से बढ़ करके और विश्व ब्रह्मांड में और कोई नहीं, यही सब हो। इस रूप गोस्वामी के जाने के बाद में जीवात्म रहस्य जो श्लोक बतलाया रघुनाथ दास सुन्याय गोष्ठी, रूप गोस्वामी बिना अनाथ एकदम हो गए, अब जीवन रखने की कोई जरूरत नहीं। महाप्रभु जाने के बाद भी अपना जीवन रखा, किसी प्रकार से चले आए। स्वर्ग दामोदर जाने पर भी अपना जीवन धारण किया, चले आए वहां से, जीवन का कोई सहारा नहीं रह गया। जब वृंदावन में आए तो रूप सनातन दोनों भाइयों की प्रेम से सिक्त होकर के पुनर्जीवित हो गए और उस करके कैसा भजन किया, रूपानुगत प्रभाव से। ये संसार में इससे बड़ी कोई निधि नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने भी कहा सिरू मंजरी की चरण की धूलि होना ही क्या है, सबसे माने सर्वोत्तम आकांक्षा विषय, सर्वोत्तम आकांक्षा का विषय हमारे संप्रदाय का, विशेष करके प्रभुपाद जी के गणों में यह सबसे बड़ी बात। किंतु ऐसा होना बड़ा भारी कठिन है भाई, बहुत कठिन। अब इसके बाद में तब कृष्ण दासत्व आएगा, और कृष्ण दासत्व पहले हुआ गुरुदास, इसके बाद में वैष्णव दास, इसके बाद आया नारायण इत्यादि का दास, इसके बाद में कृष्ण दास आया, उसे भी ऊपर गया राधा दास। हम लोगों के लिए रूप मंजरी इत्यादि का ऐसे भाव संपन्न जो हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु हैं, उनके चरण कमलों की धूलि हम लोगों के लिए सर्वोत्तम काम। इसलिए हरिदास वर्ज्य, हरिदास वर्ज्य बतलाए, हरिदासों में भी सर्वश्रेष्ठ। हरिदास में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है, बृहद भगवतामृत में क्रमशः दिखला रहे हैं, उद्धव तक ले गए हैं प्रेमातुर तक, और उसके बाद में बंद कर दिया, ब्रज का कोई वर्णन नहीं किया। प्रेमातुर तक ये लोग माने भक्त माने अभी साधक या पैसा चल रहे हैं, ब्रज के वो लोग सब साधक साधक नहीं है, उसका साधन ही नहीं है। अभी इसी में हम लोग चल रहे हैं, वो ये तो अध्याय समाप्त हो गया, ये अध्याय समाप्त हो गया, अगले अध्याय में हम लोग चल रहे, संक्षेप उसका हम लोग वर्णन करके आगे चलेंगे। तो उसमें इसी भाव की पुष्टि होगी कि बतलाया कि भजन साधारण चीज नहीं है। कात्यायनी महामाये महाजोगिन नर्धेश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपंत्य स्ता कुजां चक्रु कुमारिका एवं मासं व्रतम चेरु कुमार्य कृष्ण चेतस भद्रकालिंग समानुचु भुर्जात नंद सुतपति। कल हमने बतलाया ये कात्यायनी जोग माया है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए जोग माया की ये पूजा अर्चन कर, दैविक रूप में कृष्ण का उन्होंने भजन इसलिए नहीं किया कि कृष्ण के प्रति कुछ ऐश्वर्य की बुद्धि हो जाए, इसलिए दूसरे की कृपा से ही कृष्ण मिले हैं, ये नरलीलावत भाव स्थिर ठीक रहे। इसलिए नहीं तो कृष्ण तो सबकी कामना वही पूरा करने वाले हैं, जोग माया भी उन्हीं की ही है और दूसरी कुछ तो है नहीं। किंतु यदि कृष्ण आकर के स्वयं सामने
और उनके इस यज्ञ को कराएं और उनकी मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं, तो उनके प्रति पुकारी ये तो हमारे फल देने वाले ये स्वयं भगवान है। तो नीला न लीलावत वो जो बुद्धि है वो दूर हो जाएगी। और जिस भावना के लिए आई है जो पति में ये कृष्ण को लौकिक पति के अनुसार में करें, नर लीलावत भाव नहीं हो जाएगी। इसलिए वृंदा देवी ने अथवा जोग माया ने ये भाव नहीं आने दिया, बीच में आकर के परामर्श दिया। जो वृंदावन की अधीश्वरी ये जोग माया जी, वो महामाया, महामाया मन विराट रूप में इनका शक्ति है, अघटन घटन पटियसी है। इसलिए तुम लोग इन्हीं की पूजा करो और कृष्ण तुम्हारे पति होंगे उनके कृपा से, इसलिए उनकी पूजा करना। कैसा पूजा किया उसमें वर्णन किया है। सवेरे भोर में उठ जाती, भोर में मैंने उठना पहले ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले उठी, और अरुणोदय से दो मुहूर्त ना 48 मिनट वो उठ जाती थी। प्रतिदिन समय से उठती थी। अच्छा उम्र कितनी है, थोड़ी सी उम्र, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष क्या करता है ये छोटी सी 4-5 वर्ष की लड़कियां कृष्ण हमारे पति हो कितनी बड़ी उत्कंठा लेकर प्रतिदिन ही बिना किसी के उठाए, माता पिता भी नहीं उठाते, कोई भी नहीं उठाते। मानो निद्रा देवी स्वयं कहती हैं यदि मैं इनको न उठा दूं तो हमारे इनके चरणों में अपराध हो जाएगा। और उनका वह प्रेम उनको उठा देता था। कौन प्रेम? वो जो उत्कंठा बनी है जो कृष्ण हमारे पति, वो उठा देता, किसी को उठाना नहीं। ऐसा तो हम लोगों को भी अनुभूति हमारे, हम लोगों की भी यदि प्रबल रूप में इच्छा हो जो कृष्ण का हम भजन करेंगे, प्रबल रूप में हो, उत्कंठा हो, ये कृष्ण का हम जरूर भजन करें, अपने आप नित समय से खुल जाएगी। आलस्य प्रमाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, शास्त्र अवज्ञा, सूची शास्त्र निंदन कुछ भी नहीं रह, धो पोंछ करके न जाने कहां चला गया। क्यों होता है? ऐसी भावना भी नहीं आती, ऐसी भावना भी कैसे आती है? बिना कृष्ण की करुणा के ऐसा नहीं होगा। वह कुमार का जितना भी साधन हुआ उसके मूल में किनकी कृपा है? प्रारंभ से ही गोवर्धन में जन्म कौन दे दिया? उनका कर्म ने दिया, उनके कर्मों ने। एक ऐसे जयंत जी जैसे गुरु से भेंट हो गई, उनके कर्मों से भेंट हुई ना उनकी इच्छा से हुआ, स्वयं भगवान कृपा उन पर किए। स्वयं भगवान ही नहीं, राधा जी ने कहा उनसे, अरे आप जाइए गुरु के रूप में होकर के और उसको सहायता कीजिए। उस समय में समस्त आप विपत्ति जो कुछ है सब गुरु को जाते। यदि ऐसी तीव्र उत्कंठा किसी को भगवत भजन में हो, मान ले कि ऐसी जो तीव्र उत्कंठा है, उन गोपियों छोटी सी बालाएं, छोटी सी बाला है, धर्म अधर्म कुछ नहीं जानती, नंगी रह करके स्नान करना होता है या कपड़े पहन करके, ये कुछ नहीं जानती, मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानती, बस ये जानती कृष्ण ही बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े मनमोहन हैं, ये हमारे पति हैं। ये भी नहीं जानती है जो पति किसको कहते हैं, पति क्या होता है, ये भी नहीं जानती, बस कृष्ण हमारे पति हो लोक मुख से सुनकर। अच्छा ये एक दो जन्मों का ये फल है,
कितने जन्मों का फल है ये इतनी प्रगाढ़ भावना उनके अंदर में हो गई। यदि ऐसा कोई है या कोई ऐसी है सर्वस्व छोड़ करके, माता पिता का स्नेह छोड़ करके, चाहे लड़का हो या लड़की, माता पिता का स्नेह, विवाह होने पर भी विवाहित स्त्री का भी स्नेह, छोटे छोटे बच्चों का स्नेह, सबका दुलार, धन ऐसा जलात मारकर कुछ भी यदि नहीं जानता है या नहीं जानता, प्रज में कहीं आकर के कृष्ण की सेवा करने की ऐसी तीव्र उत्कंठा हो, हम तो कहते हैं कि हम उनकी चरण की धूली को कोटि कोटि बार रोज सवेरे प्रणाम करते हैं। ऐसा यदि कोई भले ही शास्त्र समझ जानने वाला हो, सनक सनंदन भी हो, शास्त्र जानने वाले व्याख्या भी खूब कर सकते, स्मरण शक्ति भी खूब है, सदाचार भी उनमें खूब है, सब कुछ है, किंतु जरूरी जो ऐसा भाव होगा नहीं, प्रबल ऐसी उत्कंठा होगी, कोई जरूरी है कोई जरूरी। ब्रज की ये छोटी छोटी कुमारियां तो पूजा करने के लिए जा रही हैं, और कृष्ण मानो कि ये पेड़ के ऊपर उनके कपड़े लेकर के चढ़ गए हों, और उधर से दुर्वासा ऋषि अथवा सनत सनंदन सनत कुमार जैसे लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े कर्गाचार्य ब्राह्मण इत्यादि वेद शास्त्र को जानने वाले आचरण प्रिय लोग जा रहे हैं, और यदि वहां पर उनकी नजर पड़ गई और देखा, अरे ये छोटी छोटी बच्चियां नंगी दौड़ करके ये स्नान कर रही, ये आवारा एक लड़का पेड़ की टाल पर बैठा हुआ है, इनसे सब कपड़े लेकर के टांग करके और उनसे दिलगी मस्तखरी कर रहा है, और ये भी गंवारू और विचित्र लड़कियां, इनको लज्जा न हाया न शर्म, और उसे बातचीत कर रही, यही तो धारणा लेंगे ना, क्या लेंगे। समस्त शास्त्रों के जानने वाले भी उनके हृदय को पढ़ सकेंगे जो उसके अंदर में कृष्ण के प्रति कितनी निष्ठा है, और उस निष्ठा को वो दिखलाना चाहेंगे किसी को। इसलिए कृष्ण भक्तों के हृदय की भावना को जानना देवताओं के लिए भी बड़ा भारी दुष्कर है, हम साधारण जैसे लोगों के लिए तो क्या। इसलिए ब्रज में यहाँ रहने वाले कोई स्त्री या पुरुष या कोई भी हो, यहाँ तक कि गुलमलता हो, जब किंचित तृण गुल मची कटमुखम गोष्ठे समस्त सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रे रे मुहुर मुहुर निश्चंकितं जात्या ब्रह्मा देव सस्पिहं ततो सर्वं मया विदत्तम। प्रणाम करो भाई सब, कहीं भी कहीं ये बुद्धि ना जाइए, ये बेकार के पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ है, आ गए कुछ जानते नहीं, आ गए हैं, पढ़े लिखे तो हैं, इसलिए ऐसा मत। जिनको ये आ गया उनको संस्कृत व्याकरण और काव्य अलंकार शास्त्र वेद परिषद पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, है जरूरत कुछ ऐसे लोगों को, इन गोपियों को अब वेद पढ़ने की या और कोई शास्त्र पढ़ने की अब जरूरत है। वो तो जो जिसको जानने के लिए आए वो कृष्ण स्वयं उनके पास में आए। इसलिए भाई कोई कोई लोग यहां पर व्याख्या करते हैं आध्यात्मिक पक्ष, क्या आध्यात्मिक व्याख्या, यहां पर गोपियों का जो चीर हरण हुआ, हम केवल शिक्षाओं के ऊपर में चल रहे हैं, जो उसमें से शिक्षा ले, प्रसंग तो देखने से बड़ा खराब सा लगता है, किंतु प्रसंग खराब नहीं, ये भागवत का एक रत्न है, ये यदि भागवत से निकाल दिया जाए तो भागवत भागवत ही नहीं रहेगा, पूर्वरा भी समाप्त हो जाएगा, ऐसी ये निधि है, जिसमें और योगेश्वरों को भी, साधारण योगेश्वर और बड़े बड़े विद्वानों को भी अधिकार नहीं है प्रवेश करने का। कोई कोई इसकी व्याख्या करते हैं, जो वो वस्त्र उठा करके जो ले गए, वो क्या ले गए, माया उठा ले गए,
जो उन गोपियों में माया थी उस माया को हटा दिया, अब वो माया शून्य हो गई ना, अब कृष्ण को ग्रहण कर। अरे मूर्खों अध्यात्मवादियों, अध्यात्मवाद भक्ति का विरोधी है सब समय समय। आजकल एक भिड़क चली है, जो आता है ना तो भागवत और रामायण इत्यादि को अध्यात्मवाद से उसको आच्छादित कर देता है। अच्छा ये भागवत तो श्लोक ही आते अध्यात्म द्वीपम मतकृति सताहुं तवम। अध्यात्म द्वीपम माने अध्यात्म को लिए ये दीपक है, ये प्रकाशक नहीं, नहीं नहीं उसका प्रकाशक नहीं, उसको भी वो अंधा है अध्यात्म। ये प्रदीप के समान है, इसको रास्ता दिखलाने वाले हैं, ये उसका अर्थ है, देख लेना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अध्यात्म जो है। अरे महाभारत युद्ध नहीं हुआ, वो हमारी बुद्धि एक है, वो बुद्धि से और मन से लड़ाई चल रही है, उसमें घोड़े इंद्रिय हैं और क्या क्या है ये सब करना है। किंतु अध्यात्म के लिए प्रदीप है ये श्रीमद्भागवत, जब ये दीप न रहे तो अंधकार में वो टलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं यहां पर ये अध्यात्म जो है, आजकल अध्यात्म के द्वारा शुद्ध भक्ति को आच्छादन कर देते हैं और उसी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, लोग वाह 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 करते हैं, वही सुनते हैं भक्ति जो लीलात्मक जो ग्रंथ है वो लीला को अध्यात्म बात के द्वारा छिपा करके उसका एक कष्ट कल्पना करके अर्थ करते हैं। भागवत में कष्ट कल्पना की कोई जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप में जैसा है वैसा ही वर्णन किया है, बस उसी को ही समझने की जरूरत है, उसको इतर व्याख्याओं के द्वारा आच्छादन करने की कोई भी जरूरत अध्यात्मवादी क्या। बामन महाराज इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं अध्यात्मवाद, बहुत सुंदर, और उसका समालोचना करते हैं बड़े ढंग से। बारी सभाओं में क्या वो वर्णन करेंगे, ये ब्रज का भाव या सब वर्णन कर किया जाएगा ये सब समझो, इसलिए वो सब चीजों को वर्णन करके उसका खंडन करते हैं बड़ी शालीनता के साथ। तो यहां तो कहते हैं जो माया को हटा लेना ही उनका वस्त्र हरण है। अच्छा बात ठीक, आप बड़े मान्य हैं, आपकी बातों को हमने मान लिया। अच्छा प्रभु थोड़ी सी संदेह, माया तो हटा लिया और उसके बाद में कृष्ण उनके कपड़ों को लौटा दिया और उसको उन्होंने पहन लिया और पहन में ब्रजे प्रवेश, तो ब्रज में प्रवेश किया तो क्या हुआ, तो फिर माया उन्होंने लौटा लिया आराधना के बाद में, फिर वो पहन लिया अपना माया का कपड़ा और अपने घर में चली गई। बारे अध्यात्म बात ये सब कष्ट कल्पना है, इसमें कोई भी सार की वस्तु नहीं है। अरे माया इत्यादि हटना तो उनका इस चतुर्युगी नहीं, 24वें चतुर्युगी में ही हो चुका था, रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही माया हट गई थी, माया का पर्दा हट गया था, अन्याभिलाषिता हट गई थी, योग कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो अनावृत हो चुका था, अनुकूल लेना कृष्ण शीलनम आरंभ हो चुका था, इसलिए इनको न माया हटाना है न कुछ। अरे गोपी गर्भ में इनका जन्म हो गया और नित्य सिद्धाओं का संग होने लग गया, वृंदा जी की कृपा हो गई और इनके यहां फिर माया आएगी, वो तो केवल एक भाव था जिसके लिए कृष्ण ने ऐसा किया। भाई आम तोड़ लिया है या आम वृक्ष में लगे हुए हैं और आम भी पुष्ट हो गए हैं, अब पकने की देरी है, कुछ कुछ दशा हुआ भाव आने जा रहा है, पका हुआ नहीं है, यदि झटपट उसे तोड़ लो और उसे खाओ तो खट्टा लगेगा,
क्योंकि पका नहीं है। अरे भाई इसको पकने दो, इसको कहते हैं कषाय। आम भी है परिपूर्ण, उसका सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु पका नहीं है। उसको ऐसे करने से रस नहीं निकलेगा और वो मधुर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं अभी कषाय। क्या कषाय है? जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, इधर आ जाएंगे है, उसको समझना भी अभी बहुत दूर की बात। क्या कषाय कर, इसलिए कृष्ण ताप दे रहे हैं पकाने के लिए, पेड़ की डाल पर पहुंच गए और पका रहे हैं। इनके प्रेम को पका रहे हैं। कच्चा है, अभी कड़वा लग जाएगा, खट्टा लगेगा, इसलिए पका रहे। पूरी ताप समस्त चीज पर लगनी चाहिए। कृष्ण ने उनसे कुछ छुटकुलियां की। और कषाय क्या, उसको पहले इन्होंने बताया। जब पहले जन्म में ही जो साधन हम लोग करते हैं, अभी हम लोगों का साधन, अभी साधन नहीं, अभी साधन का बाहरी सभी के लिए नहीं कह रहा, साधारण रूप में मैं बतला रहा। हो सकता है कि उनका साधन यथार्थ में साधन हो रहा। जब वो उत्तम भक्ति का साधन आरंभ होगा तब तो कुछ लक्षण आने लग जाएंगे, क्लेश भक्ति और शुभदा, इसके ऊपर में फिर और भी जाएगा मोक्ष लगता कृत दुर्लभ है। और उत्तम भक्ति जब प्रकाशित होगी तो सांद्रानंद विशेष कृष्णाकर्ष। इन शब्दों का अर्थ जो जानने वाले तो समझेंगे। विशेष आत्मा का शब्द का अर्थ ही समझना बड़ा भारी कठिन है। ये यहाँ की वस्तु नहीं है। विशेष आत्मा विशेष जो वहां के रागात्मिक जो भक्त हैं, उनके हृदय में नित्य सिद्ध भाव है। वहां से उनका अनुगमन करने पर कृपा करके वो जब उतरता है कुछ यहां, तब वो विशेष आत्मा होता है। इन लोगों के लिए कहा कृष्ण ने, तुम लोग सिद्धा हो। आया श्लोक में कहीं तुम लोग सिद्धा, तुम्हारे भाव सिद्ध हैं। सिद्धा किस लिए कहा? स्वरूप सिद्ध इत्यादि, स्वरूप सिद्ध हो गया है। यहां तक इनका प्रेम भी सिद्ध हो गया है, किंतु प्रेम होने पर भी अभी कुछ कच्चा सा है। जैसे परशुराम के साथ में रामचंद्र जी का संवाद होता है, और प्रति संवाद के साथ में ही इनको कुछ क्रोध का भाव आता है, और रामचंद्र जी हंसते हुए उनका वो जो भगवत भाव है वो ले रहे हैं और उनको साधारण ऋषि बनाते हुए चले चले जाते हैं। और अंत में उनका उनकी जो भगवत्ता थी, जो आवेश अवतार, वो आवेश सब ले लिया और वो साधारण ऋषि बन गए। किसी ने न देखा न समझा न कुछ, और ऐसे ही वक्त हो गए। ऐसे ही इनको जो गोपी शरीर ही मिल चुका है प्रकट शरीर में, प्रकट लीला में, और भाव ही है पति होने का। पूर्व जन्म में उन्होंने पति का भाव किया था। ये कषाय है। कषाय क्या था? ये पति भाव ब्रज में ये संभव पर नहीं हो सकता है। ये कषाय था, ये इसको दूर करना था कृष्ण को। ये चक्रवर्ती पाद जी अथवा हमारे महाप्रभु जी नहीं होते तो इस भाव तक पहुंचना बड़ा भारी कठिन। यदि पति भाव रहता ठीक तो ये कहां पहुंच जाती? कृष्ण और राधा जी का भजन करने पर भी कहां जाते? द्वारका में जाते, गोलोक तक भी जाते, द्वारका में। रुक्मिणी का भाव इत्यादि
ये कषाय था, ये कषाय कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कृष्ण ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए कात्यायनी जोग माया ने, अघटन प्रकृति ऋषि माया ने कृष्ण के साथ में उनका योग करा दिया। इसलिए जोगिनी अधीश्वरी है, जोगियों में, जोगिनियों में भी अधीश्वरी, उन्होंने ये संपर्क कराया। बिना ये संपर्क कराए हम लोग भी भजन में नहीं चल सकते, तरह तरह के विघ्न और बाधाएं आएंगी। विघ्न बाधा कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और किसी प्रकार से दूर नहीं, चाहे वो गुरु रूप में आए, जयंत के रूप में आए, या स्वयं आए, अथवा भगवान की करुणा के घन विग्रह के रूप में आए, उन्हीं की कृपा से। एक दिन और हमने बतलाया था, वैष्णव कृपा अनुगामिनी भगवत कृपा से ही ये भक्ति होती है, ऐसे नहीं होगी। कृष्ण भक्त अनुगामिनी, भगवान की कृपा, भक्त कृपा अनुगामिनी, कृष्ण की कृपा से ही ये भक्ति होती है। जहां भी हम देखेंगे ये समन्वय जरूर मिलेगा, न तो अकेले वैष्णव करेंगे न भगवान ही करेंगे, भगवान भक्तों के बिना नहीं है। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है, इतना दिन तक, एक महीने तक सवेरे ये जगी, साधन भजन किया, क्या करती थी, तन्मय होकर के एक दूसरी को बुला लिया, चौरास्ते में खड़ी होकर के उसके घर में गई, चुपके से खटखटाया, किसी का उसमें नाम लिखा दिया, नाम उच्चारण करके गोत्र नाम और या कुछ किसी इंगित इत्यादि से सबको जगाया, जगाया सब, मिल गई चौरास्ते पर या कहीं एक स्थान पर सब, उनसे देश लड़ाई मारामारी तक, आज से आपका रूप नहीं देखूंगा। गुरु भी लड़ लिए, एकदम सब कुछ सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित करके भजन करो, इसलिए ना कोई विघ्न आएगी ना बाधा आएगी, सब दूर कर देंगे भगवान, हम लोगों को सदबुद्धि दे। इस प्रकार से कुमारियां रोज रोज पूजा कर, आज दिन एक महीना पूरा हो गया है, पूरा हो गया, साधन करते 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 हम लोग पहली स्थिति में आएंगे भाई, कौन सी, शांति अव्यक्त कालत्वं विरक्तिर मान शून्यता आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्यान प्रति तद बस्ती स्थले इत्यादि भाव सुजात भावांकुरे जने, भाव के भाव रूपी जो अंकुर है इसमें ही ये सब चीज हो जाता है, प्रेम के तभी भाव की बात है, शांति इनमें है, इसमें दिखलाया है। गोपी में कैसी है, सब और किसी चीज की तरफ में इनके नजर में, कोई कामना वासना रहती है तब तो अशांति चित्त में होती है, कोई तो है नहीं, केवल मात्र कृष्ण की ही चिंता है, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे, बस एक यही चिंता। यदि किसी को कोई कामना रहेगी तो चित्त जरूर निश्चित रूप में से, बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज चित्त बड़ा चंचल है, ऐसा कोई उपाय बतलाइए चित्त हमारा ठीक हो जाए। भाई उपाय तो सहज है किंतु कठिन, कोई कामना भी मत करो कोई संसारी, अपने आप चित्त शांत हो जाएगा, प्रदीप तब तक जलेगा जब तक उसमें बत्ती और तेल है, जब तेल और बत्ती नहीं है तो प्रदीप अपने आप बुझ जाएगा, तो ये कामना रूपी जो तेल है इसमें जब तक रहेगा तब तक तो ये जलेगा ही और तुम्हें भी जलाएगा, इसलिए कामना हटाओ, इसलिए अन्ना विलास हो। इन गोपियों की ठीक ऐसी ही दशा, अव्यक्त कालोत्पन्न वहां से आती थी कृष्ण की चिंता करती थी, सो जाती थी, सवेरे उठना है, वहां जाना है, दिन रात इसी की चिंता, अव्यक्त काल, अब हमारा इसमें लगाओ, भजन करने हम आए हैं, सब छोड़ करके आए हैं,
कृष्ण की चिंता इतनी होती है कि नहीं, हम किस चीज की चिंता करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम मठ की चिंता करते करते कृष्ण की, वैष्णव की, गुरु की चिंता भी छोड़ देते हैं। मठ किस लिए है? गुरु वैष्णव की सेवा के लिए और उस भावना के लिए है। यदि यही नहीं हुआ तो किस लिए मठ और मठवास? इसके लिए तो नहीं। कहीं कहीं पर होता है जो कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण की वस्तुओं के प्रति भक्तों का आदर होता है, ये बात ठीक है, किंतु ऐसा होना तो चाहिए, ऐसा तो होता था नहीं, होता नहीं। इसलिए अवर्थ कालोत्पन्न विरक्ति, विरक्ति उनकी होगी कहां से? सांसारिक आसक्ति से। सब चीजों को देखते देखते हम लोगों को हटा करके कृष्ण भक्ति की तरफ में लाया और ये सब चीजें उन पर घटाया है टीकाकारों ने, उन पर कुमारी ने। साधन साधन तो नहीं, कृष्ण कहते हैं कि तुम सिद्धा हो, किंतु साधक का भाव तुम आचरण कर रहे हो जगत के जीवों की शिक्षा के लिए, सिद्धा ही हो तुम। सिद्धा तो पहले जन्म में हुआ, रामचंद्र जी वाले जन्म में सिद्ध हो गए, सब सिद्धा तो हो ही गई, अब यहाँ पर जन्म भी हो गया। अब ये विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधक, कृष्ण जरूर मिलेंगे इनको है। अच्छा आज द्वितीया है भाई, कौन द्वितीया है? शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। अब कितना दिन रह गया पूर्णिमा होने में? कितना दिन? 14 नहीं 13 शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष में 12 दिन। कितना दिन चला गया? आज त्रयोदशी है, एक दिन पूर्णिमा से पहले सोचा होगा क्या कल पूर्णिमा है। जितना दिन आता जाता है उत्कंठा उनकी बढ़ती जा रही है, साधक को उत्कंठा होनी चाहिए, खा पी करके मस्त है, कोई उत्कंठा नहीं, कृष्ण मिलेंगे तो मिलेंगे, कब मिलेंगे लाखों जन्मों के बाद में वो भी कोई ठीक नहीं, निश्चिंत हम लोग हैं। देखा भाई रात में नींद नहीं आई, पेट में हजमी नहीं हुई, और उसने ऐसा हमारे पति किया, सारा दिन इसी में तो चला गया, तो क्या होगा भजन? इन लोगों को और कोई चिंता नहीं, सब समय उत्कंठा, एक एक दिन जाता है उत्कंठा बढ़ रही है। और प्रशस्ती स्थले मैंने, इनका तो ब्रज में वास ही है और वहीं पर रूठ जाना है। कहाँ जाना है? चिंघाट पर इनको जाना है। किस लिए जाना है? कृष्ण को पाने के लिए। अच्छा कल नहीं मिले तो जरूर मिले, बिंदा देवी ने कहा है ना, प्रमाणिक व्यक्ति ने कहा, इसलिए जरूर कल मिलेंगे ही। ऐसे हम लोगों को भी रहेगा, जरूर मिलेंगे इसी जन्म में ही, हमारे गुरुदेव भी ऐसे नहीं, ऐसी भावना होनी चाहिए, वैष्णव लोग ऐसे नहीं। कृष्ण की कृपा से जब हम यहां तक पहुंचे जरूर इसी जन्म में मिलेंगे, अर्थात तो ये पूर्णिमा को ही मिलेंगे, ऐसा समझ करके उन्होंने निमंत्रण दे दिया ब्रजवासियों में, राधिका ललिता विशाखा सबको निमंत्रण दे दिया। क्यों? कल मिलेंगे जरूर, एक बार वर्षा नहीं हो रही थी कहीं इंग्लैंड में, वर्षा ही नहीं, सब लोग मिलकर के बोले आज प्रार्थना की जाए भगवान से, सभी लोग सामूहिक प्रार्थना करो, तो सब प्रार्थना करने के लिए जा रहे, लाखों लोग एकत्रित हुए चर्च में, तो एक लड़का छाता लेकर के जा रहा, तो लोगों ने छाता क्यों नहीं जा रहा, वर्षा हो रही है, तो लाखों लोग आएंगे और प्रार्थना करेंगे, वर्षा नहीं होगी? जरूर वर्षा होगी। अच्छा उन लोगों के और लोगों के जाने में और इसके जाने में क्या अंतर है? और भावना विश्वास है, जरूर सब लोग जा रहे हैं, कोई छाता नहीं ले गया और ये छाता लेकर के गया, दृढ़ विश्वास कि हमारी प्रार्थना विफल नहीं जाएगी, और वो गया और सब प्रार्थना भी, अब वर्षा होने लगी। हम समझते हैं केवल उसी बालक के लिए वर्षा हुई और किसी के लिए नहीं। इसी प्रकार से जिसको ऐसा दृढ़ भाव हो, हम साधन भजन कर रहे हैं जरूर कृष्ण मिलेंगे, तब तो ये है, और ऐसी भावना ही नहीं है, चिंता नहीं है कृष्ण मिलने की, कोई चिंता, खा पी करके मौज करके सो रहे हैं, खा पी रहे हैं,
और कपड़े में रोज साबुन लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि रंग ठीक, नहीं तो बाजार से एक रंग और लाए खिला दिया, वाह कपड़ा भी खूब पतला है, जीवन चल रहा है मजे के साथ में, तो क्या मजा। तो नाम गाने सदा रुचि, नाम भी करती हुई चली जा रही है, आती है तो जाती है तो सम सोच से काम करती हुई चली जा रही है। नाम गाने सदा रुचि आसक्ति गुणाख्यान सत्य स्थले, ये सब भाव के भाव रूपी अंकुर में ही ये सब चीजें देखते, प्रेम के होने पर जब स्वरूप सिद्ध हो जाता है आदमी, तब फिर क्या उसमें कौन सी आ जाती है, इष्टे सारस्व की परमा अवेष्टिता परमा इनको तो